हसी वारदाते हैं, कुछ हादसे हो जाते हैं, छोटी सी बात बड़ी हताशा, छोटी सी बात बड़ी हताशा। जिंदगी बन गई है तमाशा, कुछ हसी वारदाते हैं, कुछ हादसे हो जाते हैं। उस तरफ क्या देख रहे हैं जनाब? देख नहीं रहा हूं बल्कि हैरान हूं। किस बात की हैरानगी है आपकी? इस बात की कि शायरी वाकई में सिखाने की चीज होती है या पैदाइशी चीज होती है। देखिए जनाब, कुछ तो पैदाइशी शायर होते हैं जैसा कि मैं हूं, और कुछ मौसमी शायर होते हैं जैसा कि आप नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या मैं मौसमी शायर हूं? अजी, इसमें जानने की क्या बात है जनाब? हर इंसान की हकीकत उसके चेहरे की किताब में लिखी होती है। बातें तो तुम बहुत करते हो, लेकिन कौन सी बात कहां और कैसे करनी चाहिए इस बात का तुमको जरा भी इल्म नहीं है, समझे? खैर, क्या मैं दिलकर साहब से मिल सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल मिल सकते हैं जनाब। शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया। शुक्रिया। आदाब हुजूर। आदाब, आदाब, आइए। तशरीफ। शुक्रिया हुजूर। कहिए जनाब, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? आपकी रहनुमाई में कुछ अच्छी शायरी सीखना चाहता हूँ। बिल्कुल सिखाएंगे, इसीलिए तो शायरी ट्रेनिंग सेंटर खोल रखा है। आप मुझे ये बताइए कि इसके पहले भी आपने कुछ लिखा है या यहीं से शायरी शुरू करेंगे? जी हाँ, मैंने लिखा है जनाब। पहले आप मुझे अपना कलाम सुनाइए, उसी से आपकी काबिलियत का हमें अंदाजा हो जाएगा। जी हुजूर, सुनाता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। इरशाद। मुफलिसी के दौर में अपने को आजमा रहा हूं, हजार बार खा चुका धोखा फिर से खा रहा हूं। क्या बात। रात की रोशनी दिन के उजाले, अंधेरों में बदल गए तरह तरह के दिखा के ख्वाब, लोग हमको छल गए बस एक झूठी उम्मीद के सहारे जिए जा रहा हूँ। हजार मर्तबा खा चुका धोखा फिर से खा रहा हूँ। चंद सांसें देकर कौन सा तुमने मुझ पे एहसान किया, बदले में मेरा मुझसे हर लम्हा छीन लिया। फिर देख ले ऐ खुदा, तेरा ही नाम गुनगुना रहा हूँ। हजार मर्तबा खा चुका धोखा फिर से खा रहा हूँ। क्या बात। चंद सांसें देकर तूने कौन सा मुझ पे एहसान किया, बदले में खुशियों का हर लम्हा मुझसे छीन लिया। फिर देख ऐ खुदा,
तेरा नाम गुनगुना रहा हूँ, हजार मर्तबा खा चुका धोखा फिर से खा रहा हूँ। क्या बात, ये दुनिया बड़ी जालिम है, क्या सोच के बनाया तूने धोखा फरेब, इंसान के दिल में क्यों बसाया तूने। बहुत अच्छा, बहुत खूब। तेरी दुनिया से मौला अब मैं बेजार हुए जा रहा हूँ, हजार मर्तबा खा चुका धोखा फिर से खा रहा हूँ। सिसक सिसक के सारे अरमान मोम की मानिंद पिघल गए, हालात की तपिश में हम सर से पांव तक जल गए। बहुत अच्छा, बहुत खूब। अपनी जिंदगी का बोझ अपने ही कंधों पे उठा रहा हूँ, हजार मर्तबा खा चुका धोखा फिर से खा रहा हूँ। क्या बात। आज दिल टूट गया मेरा, सुर से सुर बिछड़ गया, गजल कैसे लिखूं मैं, मौसिकी का घर उजड़ गया, खाली कलम बगैर कागज के हाथ में उठा रहा हूँ, खाली कलम बगैर कागज के हाथ में उठा रहा हूँ, हजार मर्तबा खा चुका धोखा फिर से खा रहा हूँ। ये जनाब कैसा लगा मेरा कलाम? अरे हुजूर, मैं आपसे मुखातिब हूँ, कहाँ खो गए आप? जनाब आपका कलाम सुनकर मैं किसी और दुनिया में खो गया भाई, कमाल का लिखा। शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया। अच्छा हुजूर, अब मैं चलता हूँ। अरे ना, अरे अरे ठहरिए तो जरा। फरमाइए। अरे आप तो यहाँ शायरी की ट्रेनिंग लेने के इरादे से आए थे ना? जी बिल्कुल नहीं। मगर आपने तो यहाँ आते ही कहा था कि आप शायरी सीखना चाहते हैं। पहली बात तो यह दिलकश साहब कि शायरी कोई सीखने की चीज नहीं होती, इंसान के खून में होती। और दूसरी बात यह है कि मैं तो एक मुकम्मल शायर हूँ। तो फिर आप यहाँ क्यों तशरीफ लाए थे? जनाब बात यह है कि मुझे एक मुशायरे में शिरकत करनी है। अचानक मेरे घर पर कुछ मेहमान आ गए, अब मुझे अपने कलाम का रियाज करना था। मैंने ऑफिस के बाहर आपका बोर्ड देखा तो मैं अंदर चला आया। मैंने कहा इससे अच्छी जगह कहाँ होगी कलाम के रियाज करने की। तो आपने क्या मेरे दफ्तर को मुसाफिर खाना समझ रखा है? जी मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं समझता, अगर आप कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा। अच्छा हुजूर मैं चलता हूँ। जाने से पहले अपना नाम तो बता दीजिए। जी बंदे को मोबीन भुलक्कड़ कहते हैं। मोबीन भुलक्कड़? देखिए आपको मेरा नाम याद हो गया। अच्छा हुजूर इजाजत दीजिए। जी इजाजत है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नाम मोबीन भुलक्कड़, लेकिन इसकी याददाश्त इतनी तेज है। सुनिए जनाब। क्या? हा, हा,
आप जैसी खूबसूरत खातून ने मुझे जैसे अदने से मुलाजिम को जनाब कहा। तो क्या हुआ, उस खुदा ने तो हम सबको सिर्फ यहाँ इंसान बनाकर भेजा था, यहाँ आकर कौन आका और कौन मुलाजिम बन जाए ये सब तो तकदीर का खेल है। मोहतरमा, आपके ख्यालात तो आप ही की तरह खूबसूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। कहिए मोहतरमा, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? सुना है जनाब, यहाँ पर उम्दा शायरी की तालीम दी जाती है। बिल्कुल सही सुना है मोहतरमा आपने, हमारे आका दिलकश साहब बहुत उम्दा शायर है। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मोहतरमा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी जनाब, फरमाइए। देखिए मोहतरमा, मैं भी शेर व शायरी कर लेता हूँ, अगर आप थोड़ा वक्त दें तो एक शेर सुनाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, मैं तो शायरी की दीवानी हूँ, सुनाइए क्या सुनाना चाहते हैं आप? जी शुक्रिया मोहतरमा, शुक्रिया। तो पेश करता हूँ मैं अपना अपना ही एक शेर। इरशाद। गम गलत करने के लिए मैं खाना ढूंढ रहा हूँ, गम गलत करने के लिए मैं खाना ढूंढ रहा हूँ, मुझसे भी ज्यादा परेशान हो वो दीवाना ढूंढ रहा हूँ। देखा जो गौर से दुनिया का रंजो गम मैंने, देखा जो गौर से दुनिया का रंजो गम मैंने, तो शर्म से डूब मरने का बहाना ढूंढ रहा। लगता है मोहतरमा आपको हमारा शेर पसंद नहीं आया, तभी तो आपने हमें दाद नहीं दी। दाद देती तो भी कैसे देती, मैं तो आपके लफ्जों के समंदर में डूब गई थी। आप बहुत अच्छा लिखते हैं। शुक्रिया मोहतरमा। एक बात समझ में नहीं आई, आप इतने उम्दा शायर होकर यहाँ मुलाजिमत क्यों कर रहे हैं? अब इन्हें कैसे बताएं कि मैं यहाँ शायरी की तालीम लेने आया था, फीस न भरने के कारण मैं यहाँ का पहरेदार बन के रह गया हूँ। कहाँ खो गए जनाब? जी कुछ नहीं मोहतरमा, चलिए मैं मिला देता हूँ। अरे मैं बिना आपकी बातों में आकर भूल ही गई थी कि मुझे दिलकश साहब से मिलना है। चलिए चलिए चलिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। आइए, मोहतरमा आपसे मिलना चाहते हैं। आप जाइए, आप तशरीफ। शुक्रिया मोहतरमा। आपका नाम क्या है? हुजूर, मेरा नाम कलीम फातिमा है और घर में सब प्यार से मुझे कलीमा कहते हैं। आपकी तरह बेहद खूबसूरत आपका नाम भी है। जी शुक्रिया। इस नाचीज को दिलकश कहते हैं। हुजूर, मैं आपकी रहनुमाई में ऑल इंडिया शायरा बनने की ख्वाहिश लेकर आपके इस शायरी ट्रेनिंग सेंटर में हाजिर हुई हूँ। मोहतरमा, हमने ये ट्रेनिंग सेंटर आप जैसी उभरती शायरा और शायरों के लिए ही कायम की। जी जी, कब से आना शुरू करूं? पहले आप ये तो फरमाइए कि आप तरन्नुम वाली शायरा बनना चाहती हैं या तबस्सुम वाली? ये मैं कैसे कह सकती हूँ, ये तो आप ही तय करेंगे। मोहतरमा, मुझे आपकी बात सुनकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि जो शागिर्द खुद को अपने उस्ताद के सुपुर्द कर देते हैं वो बहुत जल्दी कामयाब भी होते हैं। उस्ताद और शागिर्द के यही तो मायने होते हैं। बेशक। अच्छा आप ये बताइए कि आपने कभी कोई कलाम लिखा है? जी, कोशिश तो कई मर्तबा की है और कुछ लोगों को हमारे लिखे हुए कलाम पसंद भी आए हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप अपना कोई कलाम सुना सकती हैं मुझे? जी मैं कोशिश कर सकती हूँ। क्या है कि मैं मुकम्मल शायरा तो हूँ नहीं, तो कुछ कमी बेसी रह सकती है। कोई बात नहीं, आप अपना कोई भी कलाम पेश कीजिए। खामोशी से देखती है चुपचाप तमाशा आंखें, खामोशी से देखती है चुपचाप तमाशा आंखें, अच्छा हो या बुरा हो ये सबके दिल में झांके, कोई दीन धर्म की बात से, कोई जात से, कोई पात से, लड़ रहा है आज का इंसान खुद अपनी ही औकात से। क्या बात, क्या? सबके राज छुपाए दिन रात हमेशा आंखें, खामोशी से देखती है चुपचाप तमाशा आंखें। बहुत खूब, बहुत खूब। झूठ बसा कर दिल में देखो करे इबादत रब की, कुदरत को भी धोखा दे दे ये इंसान चीज गजब की। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, निहायत ही अच्छा।
किस किस का करे फैसला ये लाचार बेचारी आंखें खामोशी से देखती है चुपचाप तमाशा आंखें। क्या बात है? फैशन की इस दौर में क्या होगा लाज शर्म का, कहां गए पैरों की पायल, कहां गया कानों का झुमका। बहुत खूब, बहुत कुछ। बेजुबान सुनाए कैसे फैशन की कहानी आंखें, बेजुबान सुनाए कैसे फैशन की कहानी आंखें, खामोशी से देखती है चुपचाप तमाशा आंखें। वाह वाह वाह, क्या गजब की चीज लिखी है। बस थोड़ा सा अगर कहने के अंदाज में तब्दीली लाए तो ये पूरी दुनिया आपके गजलों की दीवानी हो जाएगी। उसी कमी को तो दूर करने के लिए मैं आपसे तालीम लेना चाहती हूँ। और वो तालीम हम आपको तहे दिल से देंगे। शुक्रिया जनाब। अब सारा दारोमदार आपके गले के ऊपर है। बताइए हमें क्या करना होगा? मेरे ख्याल से आपको अपने कलाम गाकर पेश करने चाहिए, क्योंकि माशाल्लाह आपकी आवाज बड़ी सुरीली है। लेकिन मैंने तो कभी जिंदगी में गाया ही नहीं। उसके लिए हमारे मौसीकार पहले आपकी आवाज को परखेंगे, फिर आपको समझाएंगे कि कलाम कैसे पेश किया जाए। मैं उन्हें अभी बुलाता हूँ। भाई अहमद साहब। जी मियां अहमद, यहाँ जरा तशरीफ तो ले आइए। हाँ जी आया। वो आ ही रहे, उनसे मैं आपका तारुफ करा दूं। जी हुजूर, क्या हुक्म है मेरे लिए? अहमद मियां, ये है कलीमा जी, और कलीमा जी ये है अहमद साहब। आदाब। आदाब मोहतरमा। हाँ रिजवी साहब, मैंने इनकी अंदाज और आवाज दोनों अच्छी तरह से परख लिया। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ एक दिन ये उम्दा शायरा बनेगी। अब आपकी बारी है, आप भी इनकी आवाज को अच्छी तरह से परख लीजिए और हमें बताइए कि कब तक ये कामयाब शायरा हो पाए। तो मोहतरमा आज से ही आपकी रियाज का आगाज करते हैं, चलिए आपकी आवाज परख लेते हैं। जी बेहतर है, हम अभी आते हैं, चलिए। हाय क्या गजब का शेर कहा है। खामोशी से देखती है चुपचाप तमाशा आंखें, खामोशी से देखती है चुपचाप तमाशा आंखें, अच्छा हो या बुरा हो ये सबके दिल में जाऊं। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। उस्ताद जी मैं कुछ तैयार करके आया हूँ। सुनाइए। अब हम हालात से जरा उभरने लगे, अब हम हालात से जरा उभरने लगे, नासूर बनते बनते जख्मे दिल भरने लगे। क्या बात। आंखों में कुछ ख्वाब है दिल में आरजू है, आंखों में कुछ ख्वाब है दिल में आरजू है, मगर दुआओं से पहले ही किस्मत से डरने लगे, नासूर बनते बनते जख्मे दिल बहने लगे। बहुत अच्छा। कैसा लगा जनाब आपको मेरा ये शेर? बहुत खूब, बहुत उम्दा। ऐसी ही कोशिश करते रहो, अल्लाह ताला ने चाहा एक दिन बहुत बड़े कामयाब शायर बनोगे। शुक्रिया जनाब, चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भाई बड़ा ही अच्छा लगता है जब आजकल के बच्चों में शेर व शायरी की तरफ रुझान देखता हूँ। कहिया मसाब, कैसा रहा कलीमा साहिबा का टेस्ट? आवाज तो बहुत अच्छी है इनकी, लेकिन पूरी तरह से तैयार होने में कम से कम एक महीने का वक्त लगेगा। इनको रोज यहाँ आकर रियाज करना पड़ेगा। बहुत अच्छा, आप जाइए अपना रियाज कीजिए। मोहतरमा आप तशरीफ रखिए। जी। आप जितना वक्त कहेंगे मैं दूंगी, लेकिन मुशायरे में पढ़ने के लिए मुझे कलाम कहाँ से मिलेगा? वैसे तो आप भी बहुत उम्दा लिखती हैं, फिर भी हम आपको कुछ कलाम लिख कर दे दिया करें और मुशायरे में भी आपको भिजवा दिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया दिलकर साहब, लेकिन आपके इस ट्रेनिंग सेंटर की और मुशायरे में शिरकत हासिल करवाने की फीस क्या रहेगी? देखिए मोहतरमा, वैसे एक महीने की ट्रेनिंग के लिए हम फकत 5,000 रुपया लेते हैं, लेकिन कलाम लिख कर देने के और मुशायरे में भिजवाने के 2,000 रुपये आपके पेशगी के तौर पे आपको देने हैं, वो भी एक महीने की ट्रेनिंग के बाद। उससे पहले अगर आप एक खूबसूरत सा तखल्लुस रख ले तो बहुत अच्छा हो। किबला इस सिलसिले में आप मेरी मदद कीजिए, क्योंकि आप बुजुर्ग शायर हैं।
ये बुजुर्ग कहकर आपने हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी मोहतरमा। मरहूम हफीज जलंदरी साहब ने अपने आप को 80 साल में जवान कहा था, अब तो फकत अभी 60 साल के ही। और मोहतरमा, शायर की जवानी तो 60 साल में शुरू ही होती है। माफ कीजिए हुजूर, मैं आपको कभी बुजुर्ग नहीं कहूंगी, लेकिन कोई अच्छा तखल्लुस तो बताइए। देखिए, आप कोई फिल्मी तखल्लुस रख लीजिए, मसलन तब्बू, कैफ, बाडू, कौन। शुक्रिया दिलकर साहब, तो मैं अपना तखल्लुस कैफ ही रख लेती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये आपकी फीस और 1,000 रुपए है खूबसूरत तखल्लुस तजवीज करने के लिए, ये रखिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब तशरीफ रखिए। शुक्रिया। कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? हुजूर, इस नाचीज को चाहत अली कहते हैं, और आपके ट्रेनिंग सेंटर में शायरी के कुछ हुनर सीखने आया। अरे बिल्कुल सिखाएंगे, आपकी शक्ल और डिल डॉल दोनों कामयाब शायरों से मिलती जुलती है, लिहाजा थोड़ी सी मेहनत और मशक्कत के बाद आप ऑल इंडिया ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल शायर बन जाएंगे। आपकी आवाज कसदार है, इसलिए लोग डर कर आपको दांत जरूर देंगे। जी बिल्कुल, लेकिन आपके ट्रेनिंग सेंटर के महीने की फीस क्या होगी? ट्रेनिंग की फीस 5,000 रुपये, जो हम पहले ले लेते हैं। और अगर आप मुझसे गजल लिखवा कर लेंगे तो उसके लिए 1,000 रुपया आपको हमें और देने होंगे। आपको अगर हमारी मार्फत मुशायरे में शिरकत करनी होगी तो आपको मेहनताना जो कुछ भी वहां मिलेगा उसका 50% आपको हमें देना होगा। जी मुझे मंजूर है, लेकिन उससे पहले आप मेरा तकल्लुस तो तय कीजिए। अरे भैया, आपका तो नाम ही अपने आप में एक खूबसूरत तकल्लुस है। आप नैनपुर के रहने वाले, इसलिए खुद को चाहत नैनपुरी के नाम से मशहूर कीजिए। आपकी आवाज अच्छी नहीं, इसलिए गजल अगर आप गा के पढ़ेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, गरजदार आवाज में आप पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। आपका मशवरा तो नेक है, लेकिन शायरी जो है हम अपनी आवाज में ही पढ़ेंगे। एक मशवरा और भी है कि आप कौम के मसाइल के मुतल्लिक ही गजल पढ़िए, जिन्हें सुनकर सामिन जोश में आ जाए और अपने होश खो बैठे। मसलन ये शेर हाथ उठाकर पढ़िए। हम वफादार हैं इस मुल्क के, गद्दार नहीं। हम वफादार हैं इस मुल्क के, गद्दार नहीं। हमसे जो टकराओगे तो जख्म लेंगे तुमको। अब आप कहिए इसे। हम वफादार हैं इस मुल्क के, गद्दार नहीं। हमसे जो टकराओगे तो जख्म मिलेंगे तुमको। आहिस्ता आहिस्ता बैठिए। क्या हुआ? बैठिए, मैं दिल का मरीज हूँ। तो पानी पीजिए। दीजिए। शुक्रिया। शेर तो ठीक ठाक आपने पढ़ लिया, मगर अदाकारी अच्छी नहीं थी। हम वफादार हैं इस मुल्क के, गद्दार नहीं। तुम हमसे टकराओगे, जख्म मिलेंगे तुमको। क्या बात है, वाह बहुत अच्छी। अगर इसी अदाकारी के मुताबिक आप शेर पढ़ेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमे। शुक्रिया। शुक्रिया। ये लीजिए 5,000 रुपए और 1,000 रुपए कलाम के। शुक्रिया चाहत साहब। चाहत साहब नहीं, चाहत नैनपुरी कहिए। जी जी जी, चाहत नैनपुरी साहब, आप इसी तरह मुसलसल 1 महीना यहाँ आते रहे। जी। इस दरमियान हम आपको मुशायरे में भी पढ़वाने की कोशिश करते रहे। माशाल्लाह, तो आप इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। जी, जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
भाई जान बची, लाखों नहीं सही, हजार तो मिले हैं ना। शायरी ट्रेनिंग सेंटर में ये कैसा बाजार है, शायरी सिखाने के यहाँ पर लेते कई हजार हैं, लेकिन पैसा करके खर्च कोई शायर नहीं बन जाता। छोटी सी बात बड़ी हताशा, छोटी सी बात बड़ी हताशा, जिंदगी बन गई है तमाशा, कुछ हसी वारदाते हैं कुछ हादसे हो जाते हैं। शेर व शायरी और मुशायरा पढ़ना हर इंसान के खून में पैदाइशी होता है। कोई चाहकर भी किसी को उम्दा शायर नहीं बना सकता, लेकिन गलत तरीके से पैसे लेकर शायरी की तालीम देने की आड़ में लोगों को बेवकूफ बनाना तहजीब और इंसानियत के खिलाफ है। आप अपने अम्मी जान को क्यों नहीं बुलवा लेते, बच्चों को ही संभाल लेंगे। लेकिन कुछ रोज पहले तो अम्मी यहाँ आई थी। हाँ आई तो थी, मगर आपके अब्बा की तबीयत का बहाना बनाकर यहाँ से चली गई। देखिए बेगम, आप ये गलत कह रही हैं, मेरे अब्बू की तबीयत हकीकत में खराब थी। देखिए मैं कुछ नहीं सुनना चाहती और आपको पहली और आखिरी मर्तबा समझा रही हूँ, बच्चों और घर को संभालना आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं, समझे। शायरी ट्रेनिंग सेंटर में ये कैसा बाजार है, शायरी सिखाने के यहाँ पर लेते कई हजार हैं, लेकिन पैसा करके खर्चा कोई शायर नहीं बन जाता। छोटी सी बात बड़ी हताशा, छोटी सी बात बड़ी हताशा, जिंदगी बन गई है तमाशा, कुछ हसी वारदाते हैं कुछ हादसे हो जाते हैं।